क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण को 56 भोगी क्यों लगाए जाते हैं? पौराणिक कथाएं हैं। जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है, माता यशोदा द्वापर युग में कान्हा को बचपन में एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी, यानी कृष्ण 8 बार भोजन करते थे। एक बार ब्रज में देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जा रही थी। कान्हा जी ने पूछा, इंद्र को खुश करने के लिए पूजा क्यों हो रही है? यानी पानी बरसाना है तो मेघों का काम होता है, पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करें, जो बिना किसी इच्छा फल के पूरे ब्रज में पशुओं का पेट भरते हैं। कान्हा के समझाने पर ब्रजवासियों ने देवराज की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। ये देख इंद्र नाराज हो गए और ब्रज में भारी बारिश कर दी, पूरा ब्रज डूबने लगा। तो लोग कान्हा के पास पहुंचे, तब कृष्ण ने कहा कि अपने जिन गोवर्धन की पूजा की है वही रक्षा करेंगे। ये कहकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठा लिया, ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। भगवान 7 दिनों तक अपनी उंगली पर पर्वत उठाए रहे। इस दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इंद्र का अहंकार टूटा और 8वें दिन उन्होंने बरसात रोक दी। दिन में 8 बार भोजन करने वाले श्री कृष्ण लगातार 7 दिन बिना अन्न जल के रहे। बारिश रुकने के बाद माता यशोदा और ब्रजवासियों ने 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन श्री कृष्ण के लिए बनाए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को 56 भोग लगाने की परंपरा यहीं से शुरू की गई है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।